हेलो एंड वेलकम बैक टू बिट फ्यूम्स। ये है लेवल 5.3 के हिंदी ट्यूटोरियल्स और ये है पार्ट 4। आज हम इस पार्ट 4 में ये देखेंगे कि लेवल के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स क्या हो सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, लेवल की वेबसाइट पे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें हैं जो उतनी समझ में नहीं आती हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हर एक फोल्डर किस चीज़ के लिए है लेवल का। तो उसके लिए सबसे पहली बात, मुझे अपने सबलाइम टेक्स्ट में लेवल वाला फोल्डर ओपन करना पड़ेगा जो हमने अपना लेवल प्रोजेक्ट डाउनलोड किया था। ये देखिए, ये मैंने ओपन करके रखा है। अगर आपको याद नहीं हो तो यहाँ फाइल में जाके ओपन फोल्डर में हमने सी ड्राइव के अंदर ब्लॉग नाम का फोल्डर बनाया था। सी ड्राइव के अंदर ये ब्लॉग नाम का फोल्डर, ये देखिए। तो सबसे पहली बात, इसमें इतने सारे फोल्डर्स हैं, ऐप, बूटस्ट्रैप, कॉन्फिग, डेटाबेस, पब्लिक, बहुत सारे हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहली बात ऐप फोल्डर से। ये ऐप फोल्डर क्या है? सबसे पहली बात, ये जो ऐप फोल्डर है, इस ऐप फोल्डर में ही आपके सारे के सारा प्रोजेक्ट रहेगा। ये समझ लीजिए 90% प्रोजेक्ट इस ऐप फोल्डर में ही होता है। सारा कंट्रोलर इसी में होते हैं, सभी मॉडल्स इसी में होते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फोल्डर है आपके लिए। डायरेक्टरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसी डायरेक्टरी में हम हमेशा काम करेंगे। आपको मैं बता दूं, ऐप के अंदर HTTP का जो फोल्डर है उसके अंदर आप देख सकते हैं ये कंट्रोलर्स नाम का फोल्डर है और यहाँ पे अभी फ़िलहाल एक कंट्रोलर बना हुआ है, ये कंट्रोलर, ठीक है। तो ये है ऐप फोल्डर। इस ऐप फोल्डर के अंदर हम और डिटेल में जाएंगे बाद में। आगे बढ़ते हैं, दूसरा फोल्डर क्या है? दूसरा फोल्डर है बूटस्ट्रैप। ओहो, बूटस्ट्रैप, ये तो सुना हुआ नाम है। नहीं, ये सुना हुआ है नाम, पर ये वो बूटस्ट्रैप नहीं है जिसको हम स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ जो बूटस्ट्रैप है, इसका सिंपल सा मतलब है, इस बूटस्ट्रैप फोल्डर में ये आप देखेंगे ऐप नाम की ये फाइल है, इसमें आप देखेंगे ये ऑटो लोडर सब दिया हुआ है, ऑटो लोडर की फाइल है, इसमें आप देखेंगे ये ऑटो लोडर .php है। इसका मतलब है कि जब भी आपका ये लेवल एप्लीकेशन लोड होती है, उस समय ये ऐप और ऑटो लोडर फाइल से पूरी की पूरी जो आपकी एप्लीकेशन के लिए फाइल नीडेड है वो यहाँ से लोड की जाती हैं। बूटस्ट्रैप वर्ड का मीनिंग ही होता है टू स्टार्टअप। इसके बाद एक फोल्डर, ये देखिए, कॉन्फिग नाम का फोल्डर है। कॉन्फिग नाम का फोल्डर है। कॉन्फिग फोल्डर के अंदर ऑब्वियसली कॉन्फिग्रेशंस होंगे आपके इस पूरी की पूरी एप्लीकेशन के लिए। तो इसके अंदर पहली फाइल देखते हैं आप, ये ऐप नाम की फाइल है। इसका मतलब जो आपकी एप्लीकेशन है उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपके इस उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। जैसे कि आपकी ऐप का नाम क्या है, मतलब आपकी एप्लीकेशन का नाम क्या है। एप्लीकेशन का नाम देखिए लेवल लिखा है यहाँ पे, एनवायरनमेंट दिया है, और ये देखिए यूआरएल अभी क्या चल रहा है, लोकल होस्ट चल रहा है, टाइम जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है टाइम जोन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम इनको एक्सेस भी कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर में आपको ये बताऊंगा कि इन सब चीज़ों को एक्सेस कैसे करते हैं, मतलब अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है अपने किसी प्रोजेक्ट में तो वो कैसे करेंगे, थोड़ी देर बाद में बताता हूँ। अब इसके बाद है फिर और इम्पॉर्टेंट कौन सा है, ये डेटाबेस नाम की ये जो फाइल है, इसमें जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, आप डेटाबेस की डिटेल्स यहाँ देख सकते हैं। यहाँ सर, यहाँ आप लेवल आपको प्रोवाइड करते हैं SQLite डेटाबेस आप यूज़ कर सकते हैं, MySQL का डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं, PGSQL का डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। और आप इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखेंगे कि इस डेटाबेस, जैसे ये डेटाबेस है, अब इसमें ये ENV फाइल से ये पूरा डेटा उठा रहा है। ये ENV फाइल कहाँ है, ये देखिए .env फाइल ये है, यहाँ पे ये देखिए सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वही आपको उस फोल्डर में मिल रही है। जैसे कि वापस जाते हैं डेटाबेस फोल्डर में, ये देखिए डेटाबेस फोल्डर में ENV डेटाबेस नेम DB डेटाबेस, यहाँ पे आइए, ये देखिए DB डेटाबेस, ये होम स्टेट लिखा हुआ है। तो अब जब यहाँ पे आएंगे तो ये जो डेटाबेस का नाम है वो होम स्टेट उठा लेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये तो फाइल हो गई। इसके बाद और कौन सी फाइल इम्पॉर्टेंट है, फिर आते हैं ये सेशन। जब भी आपने PHP में काम किया होगा, सेशन क्रिएट किया होगा, तो सेशन से रिलेटेड यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है। ये देखिए सेशन का लाइफ टाइम दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ टाइम ज़्यादा हो जाए, मतलब एक जो सेशन
डेवलप हुआ है वो एक्सपायर बहुत दिनों तक हुए, तो सिंपली यहाँ पे जो आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए 120 जो लिखा है ये मिनट्स में है, आप यहाँ देख सकते हैं हियर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मिनट्स, दैट मीन्स 120 मिनट्स तक आपका सेशन जो है वो एक्टिव रहेगा, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे एक्सपायर ऑन क्लोज, ये जो एक्सपायर ऑन क्लोज है कि जब भी आप अपना ब्राउज़र क्लोज कर देंगे तो आपके जो सेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो अगर आप इसको ट्रू कर देते हैं दैट मीन्स सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और अभी फॉल्स है मतलब कि सेशन डिस्ट्रॉय नहीं होगा, मतलब कि अगर एक 120 मिनट से पहले आपने ब्राउज़र क्लोज करके फिर ओपन किया तो वो सेशन एक्सपायर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी फॉल्स लिखा हुआ है। फिर ये इनक्रिप्ट है, मतलब आप सेशन की वैल्यूज को इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं, सेशन स्टोर कहाँ होता है ये दिया हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद आता है ये व्यू, व्यू नाम के जो ये फाइल है इसके अंदर आप देखेंगे तो ये आपको ये बता रहा है कि जो भी व्यूज रहेंगे, याद है मैंने आपको बताया था MVC में मॉडल व्यू एंड कंट्रोल होते हैं, तो जो व्यू होता है वो ऑब्वियसली यूज़र के लिए रहता है, मतलब HTML का पार्ट्स मैक्सिमम जो है वो यूज़र को जो दिख रहा है, तो वो किस फोल्डर में रखना है, यहाँ पे दिया हुआ है ये रिसोर्स स्लैश व्यूज फोल्डर में, ये देखिए रिसोर्स स्लैश व्यू फोल्डर कहाँ है, ये रहा रिसोर्स और ये रहा व्यूज, तो आप देखेंगे जितने भी हमारे व्यूज हैं वो इस फोल्डर में है रिसोर्स डॉट व्यू फोल्डर में, और यहाँ देखिए ये वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP लिखा हुआ है। ओपन क्यों नहीं हुआ, ओपन, हाँ ओपन हो गया, ये देखिए ये जो है ये HTML पूरा यही आपको दिखता है शुरू में, मैं आपको करके बता देता हूँ। ओके सबसे पहले मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे CMD टाइप करके अपना DOS खोलना है, फिर मुझे उस डायरेक्टरी में जाना है जिस डायरेक्टरी में मेरा लेरेवल डला हुआ है, फिर मुझे phpRTCServ चालू करना है, दैट मीन्स सर्वर ऑन करना है, और सर्वर ऑन करने के बाद मुझे जाना है अपने क्रोम में, सर्वर ऑन होने के बाद मुझे जाना है क्रोम में, और इस सर्वर पे जाएंगे जब हम तो हमें मिलेगा अपना लेरेवल प्रोजेक्ट, ये देखिए लेरेवल प्रोजेक्ट, और ये देखिए ये लेरेवल लिखा जो हुआ है डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें जो है ये इस वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP में है, ये देखिए ये लॉग होम लॉग इन डॉक्यूमेंटेशन लेरेवल न्यूज़ डॉक्यूमेंटेशन लेरेवल न्यूज़ ये सब दिया हुआ है। तो चलिए वापस आते हैं हम अपने व्यूज़ वाले फोल्डर में थे, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया, तो कॉन्फिग वाला जो फोल्डर है कितना इम्पोर्टेंट है ना। अब चलिए एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने आपको कहा था कि इस कॉन्फिग में जैसे ऐप है, ऐप का नाम ये है, नेम ऑफ द ऐप इज लेरेवल, बाई चांस मान लीजिए आपको ये यूज़ करना है कहीं पे, तो कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे लेरेवल की वेबसाइट में और जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, जो कि नेट नहीं चल रहा है, इंटरनेट ऑन करेंगे, जाओ कनेक्ट हो गया, रिफ्रेश और ये आ गया। अब यहाँ देखिए कॉन्फ़िगरेशन में आपको थोड़ा और नीचे, ये देखिए ये रहा कॉन्फ़िग, ये देखिए इसने बहुत अच्छा दिखाया है यहाँ पे, इसको मैं आपको करके बताता हूँ। हम व्यू में जाते हैं और व्यू में जहाँ लेरेवल लिखा है, लेरेवल की जगह है या लेरेवल के साथ, मैं यहाँ पे, अच्छा लेरेवल के साथ ब्लेड आता है, हम ब्लेड के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी शुरू में मैं बता दूँ ब्लेड जो लिखा है ये इसमें आप कोई वेरिएबल को, जैसे हम PHP में एको करवाते हैं, यहाँ पे डबल करली ब्रेसेस के अंदर हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने ये लिखा और यहाँ पे मैंने इसको सेव किया, अब देखिए क्या होगा, रिफ्रेश और हो जाओ भाई रिफ्रेश, काफ़ी टाइम, ओप्स एरर, ओके सेमी कॉलन लगा दिया ज़बरदस्ती में, ओके एक मिनट इसको अभी हटा देते हैं, इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं,
और अब देखते हैं, ये देखिए, ये देखिए, कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर ऐप फाइल में टाइम जोन क्या है मुझे बताओ। तो चलिए ये देखते हैं, कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर ऐप फाइल में टाइम जोन इज यूटीसी, और ये देखिए यहाँ ये भी यूटीसी आ गया है। अब चलिए और थोड़ी मस्ती की जाए, और क्या यूज़ कर सकते हैं हम। हाँ, मैं जैसे बोला था यूआरएल आपको पता करना है, अगर यूआरएल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें कहीं भी यूआरएल चाहिए होता है, तो वो यूआरएल कैसे यूज़ कर सकते हैं। सिंपल, कॉन्फिग फोल्डर के अंदर ऐप फाइल के अंदर हमें जाना है और हमें दे दो यूआरएल, दिस बिकम यूआरएल, और ये देखिए http/localhost आपको आ गया। तो ये देखिए कितना ईजी है आपकी इंफॉर्मेशन को यूज़ करना। चलिए और कुछ करते हैं, हमने अभी तो ऐप फाइल के अंदर यूज़ किया था इसको, और देखते हैं और क्या हो सकता है। सेशन, सेशन के अंदर सेशन लाइफ टाइम, सेशन की लाइफ टाइम क्या है, तो सबसे पहले इसको हटाएंगे। कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग के अंदर सेशन डॉट लाइफ टाइम, मतलब सेशन वाली फाइल के अंदर लाइफ टाइम क्या है वो मुझे बता दो। रिफ्रेश किया, 120, कितना ईजी है ना। ये देखिए सेशन के अंदर हम थे और ये लाइफ टाइम। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को आप अपने एंड पे निकाल सकते हैं जिस तरीके की आपको ज़रूरत होगी। तो ये तो कॉन्फ़िग। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे अभी हमने टाइम जोन वाला किया था, ये टाइम जोन आप देखिए, टाइम जोन क्या है, यूटीसी, ठीक है, लेकिन मैं टाइम जोन चेंज करना चाहता हूँ। ओके, टाइम जोन चेंज कर देते हैं भाई। टाइम जोन चेंज करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिख दिया शिकागो, अमेरिका एंड शिकागो, जो अभी कॉपी किया था। मतलब अब हमने टाइम जोन ऐप के अंदर जो टाइम जोन है उसकी वैल्यू जो डिफ़ॉल्ट लिखी है वो नहीं, हमने न्यू वैल्यू सेट कर दी, अमेरिका एंड या शिकागो। तो चलिए रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं क्या है। उसके पहले यहाँ पे एक ब्रेक दे दें तो थोड़ा सही रहेगा। कहाँ दे दें ब्रेक, ब्रेक की जगह डैश लगा देते हैं। तो ओफ, अगेन सेमीकोलन, ये देखिए हमने ये वैल्यू तो यहाँ पे लिख दी, लेकिन यहाँ पे कुछ आया क्यों नहीं भाई, क्योंकि यहाँ पे हमने एको थोड़ी ना करवाया है। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने सिर्फ वैल्यू असाइन की है। अब अगेन हम इसको एको करवाते हैं। देखिए इसके बाद मैं यहीं पे लिख देता हूँ फिर से। अब देखते हैं, ये देखिए, मतलब लेरेवल पहले से लिखा हुआ था, ये लेरेवल फिर डैश डैश ओरिजिनल वैल्यू, कॉन्फ़िग फाइल के अंदर, कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर ऐप फाइल के अंदर ऐप टाइम जोन की क्या वैल्यू है वो हमने बताया, वो यूटीसी है। ओके ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ये है डैश डैश लगाया, ठीक, और फिर उसके बाद असाइन की वैल्यू, और फिर उस असाइन वैल्यू को हमने एको करवा दिया। ये देखिए अमेरिका एंड शिकागो, अमेरिका शिकागो, अमेरिका शिकागो की इंडिया दिल्ली, इंटरेस्टिंग। ओके, सो आपने देखा कितना इजी है इन सब चीज़ों को यूज़ करना। अब आप सोच रहे होंगे ये सब क्या है भाई, यूज़ क्यों करना है मुझे। देखिए यूज़, जब चीज़ें पता होती हैं तो हम उनको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आपको अगर पता ही नहीं होगा तो यूज़ कैसे करेंगे। तो अभी हम ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, और जब हम प्रोजेक्ट में आएंगे तब हमें देखेंगे कि भाई इन सब चीज़ों का यूज़ कहाँ होता है। चलिए तो इन सब चीज़ों को वापस वैसे ही कर दिया जाए जैसे पहले था। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, ये कॉन्फ़िग फाइल से आगे बढ़ें। डेटाबेस फाइल में मैंने आपको बता दिया था कि डेटाबेस यहाँ पे कैसे कनेक्ट करते हैं, लेकिन कनेक्शन था यहाँ पे तो सिर्फ अगर रियल डेटाबेस में आपको बनाना है। लेरेवल देखिए बहुत ही अच्छी चीज़ भी ये बताता है कि आपको कुछ भी आउट ऑफ द लेरेवल नहीं करना है। मतलब आप इवन टेबल बनानी है उसके लिए भी लेरेवल में आर्टिसन जो है, आर्टिसन कमांड के थ्रू, आप आर्टिसन के ढेर सारे कमांड्स हैं उनमें से कमांड्स को यूज़ करके आप इवन टेबल भी बना सकते हैं। तो ये जो माइग्रेशंस हैं यहाँ देखिए, ये पहले से ही माइग्रेशन बना हुआ है, मतलब अगर आप माइग्रेशन रन करेंगे तो ये यूज़र की टेबल बन जाएगी इस नाम से, यूज़र नाम से और इस डिटेल से। अब आप बोल रहे होंगे ये माइग्रेशन क्या चीज़ है, ये आर्टिसन क्या चीज़ है। देखिए परेशान मत होइए, हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम
हर एक चीज को डेप्थ में आएंगे। हमें एक यूजर ने, बालाजी करके एक यूजर है, उनने बोला था कि प्लीज डेप्थ में डिटेल बताइए पूरी लेवल की। तो हम अब बिल्कुल धीरे धीरे, आप देखेंगे कि हम इजी शुरू किए थे और अब हम धीरे धीरे डेप्थ में जाते जाएंगे। तो टेंशन मत लीजिए, हम पढ़ेंगे कि माइग्रेशन भी क्या चीज़ है। तो अभी फाइल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो उसको भी कंसंट्रेट करते हैं। तो डेटाबेस में माइग्रेशन मतलब यहाँ पे हम, ये वो है फाइल्स जो ये बताती हैं आर्टिसन को कि फाइल क्या बनानी है, कि टेबल क्या बनानी है। ठीक है, चलिए। उसके बाद ये सीड नाम की एक चीज़ है। देखिए क्या होता है कि जब आपने मान लीजिए यूज़र बनाया, अब आप चाहते हैं कि बहुत सारे यूज़र हों हमारे टेबल में। तो आप मान लीजिए 100 यूज़र्स की आपको देखना है कि 100 यूज़र होंगे तो रिस्पॉन्स क्या होगा आपके सिस्टम का। तो क्या आप 100 यूज़र लिख बनाते बैठेंगे? बना भी सकते हैं लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये सीड जो है ये क्या करता है, एक साथ आपको बहुत सारे फेक यूज़र आईडीज़ वगैरह या और भी जो आप बनाना चाहते हैं उस तरीके से बना के टेबल में आपको डेटा प्रोवाइड करता है, आपके डेटाबेस में डेटा प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप अपना एप्लीकेशन को चेक कर सकें। ठीक है, इसके बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये तो डेटाबेस वाला फोल्डर हो गया। ओके, सब बाकी सब चीज़ें बंद कर दी जाएँ। इसके बाद है पब्लिक फोल्डर। पब्लिक फोल्डर में हम, पब्लिक फोल्डर बहुत ही नॉर्मल सा फोल्डर है, इसमें सब एसेट्स वगैरह रहते हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट की फाइल जो आपके प्रोजेक्ट से कनेक्टेड है, सीएसएस की फाइल जो आपके प्रोजेक्ट से कनेक्टेड है, फेविकॉन आइकन, रोबोट डॉट टेक्सटी। ठीक है, तो अब ये सिंपल सा फोल्डर था। इसके बाद है रिसोर्स फोल्डर। याद है मैंने आपको बताया था कि जितने भी व्यूज़ हैं कॉन्फ़िग वाली फोल्डर के अंदर, व्यूज़ के अंदर हम जाएंगे तो ये व्यूज़ जितने हैं रिसोर्स स्लैश व्यूज़ के अंदर हमारे होते हैं। मतलब ये जो रिसोर्स फोल्डर है इसके अंदर जो ये व्यूज़ है इसी के अंदर हम सारे के सारे अपने व्यूज़ रखते हैं। देखिए ये एरर्स के भी व्यूज है, ये 503 एरर अगर कहीं आ रहा है तो ये वाला जो है पेज लोड होएगा। तो ये वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, अभी मैंने आपको बताया ही था ये क्या है। मेन जो आप पेज देख रहे हैं ये वाला, ये सेम वही पेज है। मतलब व्यूज जितने होते हैं वो सारे यहाँ होते हैं। और यहाँ पे ये एक फोल्डर है लैंग फोल्डर के अंदर, ईएन फोल्डर है, इसके अंदर देखेंगे आप तो ये कुछ प्री डिफाइंड लाइंस दी गई हुई हैं ऑथेंटिकेशन वगैरह के लिए। पेजिनेशन में, पेजिनेशन में आप देखेंगे लेरावल बहुत ही इजी पेजिनेशन करवाता है। प्रीवियस और नेक्स्ट इसकी जगह आप कुछ और भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप चेंज कर देंगे तो वो आपके सब चेंज हो जाएगा रियल व्यू में। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इनको बंद करा जाए। फिर है राउट्स, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फोल्डर है। राउट्स के अंदर जो वेब डॉट पी एच पी है, वेब डॉट पी एच पी में आप यहाँ पे जितने भी यू आर एल रहते हैं उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। राउट्स मतलब ऑब्वियसली जैसे मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे ये लिखा है, अब स्लैश मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिखा पोस्ट। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने जैसे ही यहाँ पोस्ट लिखा और मैं एंटर कर रहा हूँ तो उस लेवल को क्या पता कि भाई पोस्ट जब बोला जा रहा है तो कहाँ जाना है। जैसे ये देखिए यहाँ पे इसने कुछ नहीं बोला, यहाँ पे एरर दे दिया। अब मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसको नया राउट बनाया और कहा कि स्लैश पोस्ट और यहाँ पे रिटर्न कर दो पोस्ट। तो फिर देखिए यहाँ पे जैसे ही अब अभी एरर आ रहा था, अभी यहाँ करते हैं तो ये देखिए पोस्ट आ गया। तो अब लेरेवल को पता है कि भाई अगर यूआरएल में कुछ आ रहा है वर्ड तो उसको करना क्या है। तो यहाँ पे बता दिया मैंने कि भैया पोस्ट लिख के आए तो आप क्या करो, रिटर्न कर दो पोस्ट, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम यही सब चीज़ें करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये व्यू लोड किया गया है तो ऑब्वियसली यहाँ पे व्यू लोड कर सकते हैं हम, जो कि ये वाला अभी ये, चलिए इसमें भी हम व्यू लोड करते हैं। कौन सा, हम वेलकम वाला ही व्यू लोड कर देते हैं। तो पोस्ट में भी ये देखिए पोस्ट में भी ये वेलकम वाला ही व्यू जो है लोड होके आ गया। नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है उस पार्ट में रहेगा कि आप लेरेवल के ऐप डायरेक्टरी के बारे में हम जानेंगे कि ऐप डायरेक्टरी में क्या होता है और वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि इस ऐप के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो मैंने सोचा है कि एक नया ही वीडियो बना देता हूँ जो ऐप फोल्डर को डिस्क्राइब करेगा और उसमें हम और डीप में जाएंगे और इंटरेस्टिंग चीज़ें समझेंगे
और ही मजा करेंगे लेरवेल के साथ। तो जुड़े रहिए बिट फ्यूम्स के साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।